नमस्कार जी, मैं शिफाली, सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं ज्योतिष और विज्ञान की ढेर सारी बातें लेकर। कई बार हम कह देते हैं, कई बार ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो ये सुनने में आता है कि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग हैं। अगर अच्छे अच्छे योग हैं, सूर्य उच्च के हैं, शनिदेव उच्च के बैठे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल क्यों है? तो आइए जानते हैं प्रोफेसर गुरुदेव राणा साहब से। तो स्वागत कर लेते हैं पहले प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय शिवाली जी। ओम नमः शिवाय गुरु जी। प्रोफेसर, कई बार आपके सामने भी ऐसी कुंडलियां आती होंगी जिसमें ग्रह जो है वो उच्च के होते हैं, जैसे सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं, शनिदेव 7 नंबर राशि में उच्च के होते हैं, मंगलदेव 10 नंबर राशि में उच्च के होते हैं, शुक्रदेव 12 नंबर राशि में उच्च के होते हैं, बुध देव 6 नंबर राशि में उच्च के होते हैं। तो प्रोफेसर, ऐसे सारे ग्रह किसी ना किसी राशि में उच्च के होते हैं, तो क्या होता है? इंसान फकीर होता है। बहुत बार देखा गया है कि उच्च के ग्रह लेकर भी इंसान कोई तरक्की नहीं कर पाता, तो ऐसा क्यों प्रोफेसर? कई बार नीच के ग्रह वाले होते हैं तो बहुत तरक्की कर रहे होते हैं, लेकिन उच्च के ग्रह वाले लोग जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, ऐसा क्यों? बहुत शुभ जी, आपने आज आपने बात की उच्च के ग्रह वालों की कुंडलियाँ जितनी भी हैं, निकालिए कुंडलियाँ आप अपनी। सूर्य मेष राशि में है, गुरुदेव 4 नंबर कर्क राशि में है, शनिदेव तुला राशि में बैठे हुए हैं भाई, मंगलदेव मकर राशि में बैठे हुए हैं, चंद्रदेव 2 नंबर वृष राशि में बैठे हुए हैं, बुध कन्या राशि में बैठे हुए हैं, राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में और शुक्रदेव मीन राशि में बैठे हुए हैं। क्या बात, सभी के सभी ग्रह इंसान उच्च के लेके आया है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान किस किस के उच्च के ग्रह थे पता है आपको? देवी देवताओं के उच्च के ग्रह थे। उस वक्त क्या चल रहा था? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, अब है भाई कलयुग। कलयुगी जीव बनना पड़ेगा अगर कलयुग में रहते हो। अगर कलयुग में रहते सतयुगी जीव बनते हो तो परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। लास्ट में मोक्ष मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन आप करते क्या हो? सूर्य उच्च के आते हैं तो क्या सिखाते हैं? आप तपस्वी हो जाओ, टाइम के पंचुल हो जाओ। सूर्य आपका उच्च का है, माता पिता की कदर करो, इज्जत मान सम्मान करो, तो आप ये करते हो? अगर ऐसे करते हो, उच्च का ग्रह लेकर बैठे हो, वही सूर्य आपका खराब हो जाता है। आपका चंद्र उच्च का वृष राशि का बैठा हुआ है, आप में शीलता होनी चाहिए, आप ठंडे दिमाग से सोचना शुरू कर दीजिए, माता की इज्जत मान सम्मान कीजिए, आप जो भी बात करने धैर्य से कीजिए। क्या आप ऐसा करते हो? बिल्कुल भी नहीं। मंगल उच्च के बैठे हुए हैं, दोस्त मित्र जितने भी हैं सबको अपना दोस्त समझते हो, आस पड़ोस की इज्जत मान सम्मान करते हो, मामों से नानकों से प्यार करते हो, क्या आप ऐसा करते हो? मंगल उच्च का लेकर बैठे हो, जोश है सुबह सुबह जल्दी उठ के आप गेम करते हो कोई, उसके बाद वापस आके अपना घर का काम करते हो, मंगल उच्च का लेकर बैठे हो भाई, क्या ऐसा करते हो? बिल्कुल भी। बृहस्पति उच्च के लेकर बैठे हुए हैं, रोज धार्मिक स्थान पे जाते हो, समय की कदर करते हो, धार्मिक स्थान से आकर फटाफट से नाश्ता किया और काम पे चले गए, बुजुर्गों को याद रखते हो, इज्जत मान सम्मान करते हो, धर्म कर्म के कार्य करते हो, वहां जाके हरिद्वार में गति करवाते हो बुजुर्गों की, या बुजुर्गों को नाम का दान पुण्य करते हो? नहीं करते। कर्क राशि के बृहस्पति लेकर बैठे हुए तो खराब कर लिया। शुक्र आपका उच्च का बैठा हुआ है, पत्नी की इज्जत मान सम्मान करने, जितनी भी स्त्रियां हैं उनको इज्जत मान सम्मान से देखना, क्या आप ऐसा करते हो? आपके घर में वाइट चीजें सब हैं, लग्जरी चीजों को सफाई रखते हो, गाड़ियां तो मिल गई लेकिन सफाई नहीं है, आपने ग्लोसी पत्थर तो लगा लिया लेकिन अच्छे ढंग से सफाई नहीं की, आपने वाइट चादर तो बिछा ली लेकिन घर पे कितना सारा आपने खलारा डाल के रखा हुआ है, इधर उधर चीजें पड़ी हुई हैं, क्या ऐसा करते हो? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो शुक्रदेव भी आपने खराब कर लिया, चीजों को साफ ना रखना शुक्रदेव खराब हो जाते हैं। बुध देव उच्च के बैठे हुए हैं, बुध बहन भुआ मासी इज्जत मान सम्मान करते हो उनकी, बिजनेस में जितने भी आपके साथ बिजनेस करते हैं उनके साथ मतभेद नहीं करना चाहिए,
बिजनेस में जिससे माल लिया उसको समय से पैसे देते हो? बताइए, समय से पैसा नहीं देते आप, फिर कहते हो मेरा बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस में सबको, जितना बिजनेस आप अच्छे ढंग से करते हो उतनी तरीके से आप अपना भुगतान करते हो। जहाँ से माल परचेज किया वहाँ से अच्छी डीलिंग है आपकी, और जहाँ आप माल देते हो वहाँ पे अच्छी डीलिंग है आपकी, तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, तो बुद्धे कभी खराब नहीं होंगे। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं करता, तो बुद्ध आपने खराब कर लिया। उच्च के ग्रह अगर सतयुग में लेकर आते तो राजा होते, उच्च के ग्रह कलयुग में लेकर आए हो तो आपने किस लोगों के साथ व्यवहार करना है, आपने उन जैसा बनना पड़ेगा। देखिए, उच्च का ग्रह देवी देवताओं के साथ जुड़ा होता है, सत्य के साथ जुड़ा होता है, सत्य की बात करता है, जहां भी जाता है लोगों के साथ प्यार करता है, सबको अपना बनाता है। आप जिसको अपना बना रहे हो वो आपके अपने हैं क्या? दुख में साथ दिया उन्होंने आपका? ये बहुत बड़ी बात है। कभी भी उच्च के ग्रह अगर आप लेकर आते हो तो आपको ऐसा संत बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बंदे तो संत ही होते हैं। तो फिर आपके उच्च के ग्रह राज योग दिलाएंगे। तो जो लोग द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में उच्च के ग्रह लेकर आते थे वो राज करते थे, क्योंकि उन जैसे लोग तब होते थे। हाँ, तब भी बेईमानी होती थी, तब भी लोगों को लूटा जाता था, तब भी खराब एरिए होते थे, आज भी है। तब भी शेर नॉनवेज खाता था, अब भी शेर नॉनवेज खाता है भाई। इंसान तब भी मंद बुद्धि के होते थे, अब भी मंद बुद्धि के इंसान है। उस वक्त ज्ञानी लोग तब भी होते थे, इस वक्त भी ज्ञानी लोग अब हैं। लेकिन इस वक्त क्या हुआ, कलयुग में जो सत्य की बात करता है और सबके सामने आता है उसको दबाया दिया जाता है, आप सबको पता ही है। तो उच्च के ग्रह लेकर अगर सत्य की बात करता है तो वो कामयाब हो जाता है भाई। उच्च के ग्रह अगर लेकर आते हो तो आपको वैसा बनना पड़ेगा, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेना पड़ेगा, वो आपको बताएगा कि बृहस्पति उच्च का लेकर बैठे हो भाई, आपने क्या करना है, सुबह दूसरे पहर ही उठना है। बृहस्पति उच्च का लेकर बैठे हो, सूर्य उच्च का लेकर बैठे हो, वाह, तो आपने सूर्योदय से एक घंटा पहले उठना है। चंद्र उच्च का लेकर बैठे हो, क्या बात है, आपने सुबह डेढ़ घंटे पहले उठना है। देखिए, मंगल उच्च का लेकर बैठे हो तो सूर्य उदय से आधा घंटा पहले उठना है आपने। तो ये चीजें आपको कौन बताएगा, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो आपके जीवन के बारे में जानता है, आपकी कुंडली उसके पास है। उच्च के ग्रह कभी भी कलयुग में अच्छे नहीं होते। आप बोलते हो ना कि मेरे तो उच्च के ग्रह है, लेकिन क्या हुआ, बिजनेस आपने नहीं संभाला, माँ बाप की आपके साथ बिगड़ गई, रिश्ते नाते आपके साथ बनते नहीं, तो सोसाइटी के आपके साथ बनाई नहीं, क्यों नहीं बनाई बताइए। नेचर आपकी क्या है, राजाओं जैसी। फकीर हो तो कौन आपके साथ बनाएगा भी, नेचर राजाओं जैसी है तो राजे बनिए, सबके ऊपर दबाव डालिए। तो नेचर तो आपकी राजाओं जैसी है, पैसा पास नहीं है, तो क्या राजा जैसा नेचर वाला इंसान किसी के नीचे काम कर पाएगा, कभी भी नहीं। तो ये इंसान कभी कामयाब नहीं हो पाते, उनको उन जैसा बनना पड़ता है जैसे मैंने साइंटिफिक रीजन से बताया। अगर आप मेरी बातें या मेरा चैनल देखते हो, आपको ग्रहों के बारे में पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। हमारे चैनल में एक सच्चाई है, हम सच का साथ देते हैं और साइंटिफिक रीजन से हर बात को बताते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। सूर्य उच्च का लेकर बैठे हो तो सुबह सूर्य उदय से कम एक घंटा या डेढ़ घंटा पहले उठिए, सवा घंटा पहले उठिए, तो जिंदगी में कभी भी आप फेल नहीं होगे। गुरु उच्च का लेकर बैठे हो, सूर्य उदय से कम दो ढाई घंटे पहले उठिए, तो कोई भी इंसान आपको डाउन नहीं कर पाएगा। चंद्र उच्च का लेकर बैठे हो तो डेढ़ घंटा पहले उठिए, दुनिया का कोई इंसान आपको डाउन नहीं कर पाएगा। मंगल उच्च का लेकर बैठे हो तो आधा घंटा पहले उठना ही उठना है, अगर आप सबको अपना बनाना चाहते हो। तो ये होते हैं आपके उच्च के ग्रह। अगर शुक्र उच्च का है तो हम रात को जागते रहते हैं, रात को भाग जाते हैं गाड़ी लेकर, बाहर का खाना पीना खाते हैं, तो शुक्र खराब करके आप अपने घर पे लेकर आ जाते हो। शुक्र होता है बिस्तर का कारका, सैन सुख का कारका। जैसे ही अंधेरा पड़ता है, जैसे ही सूर्य अस्त को ढाई तीन घंटे होते हैं, तब आपको सोना चाहिए,
तो हम क्या करते हैं, जैसे सूर्य अस्त होता है 5:30-6 बजे हम बाहर निकल जाते हैं, तो 3 घंटे तो हम बाहर लगाते, 2 घंटे तो रात को 10-11 बजे आते हैं, तब शुक्र का समय निकल जाता है। तो ऐसी बातें कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता आपको। मैंने आपको उपाय भी बता दिए कि उठना कैसे है। अगर आप ऐसा करते हो तो जिंदगी में उच्च के ग्रह लेकर आते हो तो फेल नहीं होते, कामयाब हमेशा रहोगे। जी प्रोफेसर, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने ऐसा बताया है कि उच्च के ग्रह हो तो आपको ऐसी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नहीं करनी। यानी कि उच्च के ग्रह, अगर सूर्य उच्च का है तो इंसान को पंचल होना पड़ेगा, चंद्र उच्च का है तो 1.5 घंटा पहले उठना पड़ेगा। ऐसी बातें कौन कहाँ कोई बताता है। सिर्फ और सिर्फ एक हमारा चैनल ही है, द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी को परिवर्तन करता है, आपकी ज़िंदगी में चेंज लेके आता है। जीवन बहुत लंबा है लेकिन जानने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।